बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि दलित उत्पीड़न की घटना देश के अंदर प्रत्येक मिनट सामने आती है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार भी अगर हम बात करें, जो कि सरकारी आंकड़े आते हैं उनके अनुसार ही बात करें, तो एक घंटे के अंदर कहीं दलितों पर यानी करीब तीन दर्जन चार दर्जन लोगों के जो दलित समाज है उसके खिलाफ अत्याचार की घटनाएं आती है, जिनमें रेप से लेकर आप तमाम तरीके की घटनाएं मान सकते हैं। इसके अलावा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने का सिलसिले की अगर हम बात करें, तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक महीने के अंदर 5 से 7 घटनाएं ऐसी हो जाती है। पूरे देश भर की आप आंकड़ा लगा सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो दलितों के ऊपर और उनके आदर्शों के ऊपर जिस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, उससे एक चीज साफ हो जाती है कि पिछले दिनों 2 अप्रैल का मुकदमा आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी दलितों के ऊपर बहुत ही भारी तादाद में मुकदमे दर्ज किए गए थे पुलिस की तरफ से। लाठीचार्ज भी बहुत हुआ, यहां तक कि कई साथियों की जाने भी गई थी। आपको बता दें कि आज तक भारत में बहुत बार भारत बंद हुआ, लेकिन कभी भी किसी भी समाज के व्यक्ति की जान नहीं गई और इतनी भारी तादाद में मुकदमे दर्ज नहीं किए गए थे। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो करीब से करीब 30 से 40 हजार लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। इधर आपको बता दें कि उसके बाद तक की बात करें तो संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर का मामले का जो चल रहा है इस मामले में भी पुलिस के द्वारा किस तरीके से लोगों पर लाठीचार्ज किया, उपद्रव हुआ, आंसू देख गैस के गोले छोड़े गए और आपको बता दें कि उनमें भी 100 लोगों को आरोपी बना दिया गया है। सहारनपुर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति टूटी, मूर्ति टूटने के बाद में गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, विरोध किया, तो इस मामले में 300 से भी ज्यादा लोगों को आरोपी बनाकर पुलिस ने मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया और जांच की गठित कर दी और खुद एसपी तैयार है जांच करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, रैप से लेकर मर्डर से लेकर बहुत सारी, यानी कि जो अभी तक उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पिछले एक महीने के अंदर बहुत सारी मूर्तियां टूटी है, अभी तक भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, कहीं भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इसी सहारनपुर के अंदर पिछले कुछ दिन 5-7 दिन पहले ही जो सहारनपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक मंदिर तोड़ने की कोशिश की गई, उस मामले में भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी सहारनपुर के अंदर कुछ दिन बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मुकदमा हो, लाठीचार्ज हो, पथराव हो, ये सारे काम दलितों के ऊपर ही करवाए जा रहे हैं। यानी कि कुछ देखा जाए तो दलितों के खिलाफ होने वाली कार्यवाही, यानी कि दलितों पर जो अत्याचार होते हैं, वो पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में जिस तरीके से नाकाम हो रही है, उसी तरीके से देखें तो पुलिस का रवैया इतना खतरनाक है कि दलितों को पिछले एक महीने के अंदर ही करीब 500 दलितों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर डालने की पूरी तैयारी कर रही है। 100 लोग जिस तरीके से आप देख सकते हैं तुगलकाबाद के मामले में और 300 लोग सहारनपुर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो मूर्ति तोड़ ली गई थी इस मामले के अंदर आरोपी बनाए गए हैं। इधर आपको पुलिस ये भी कह रही है कि सहारनपुर मामले के अंदर की और लोगों की संख्या बढ़ सकती है और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो कुल तरीके से अगर आप देखें तो दलितों पर जो अत्याचार होते हैं उनके आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। आज हजारों ऐसे केसेज हैं जिनके जो पेंडिंग पड़े, उनके अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय आज तक दलित समाज को कभी उनमें न्याय नहीं मिला, यहाँ तक कि वो अपने चप्पल पुलिस थाने, आपको पता है कुछ दिनों पहले अलवर के अंदर एक घटना सामने आई थी कि उस अलवर के अंदर दलित समाज का एक युवक को भीड़ ने मार दिया था, उसके पिता जो अंधे थे वो पुलिस के गुहार लगाते थक चुके थे कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। इससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के चूरू के अंदर एक घटना सामने आई थी जहां पर एक दलित युवक को मामूली चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल में लाया जाता है, उसके साथ मारपीटाई की जाती है, इतनी बुरी तरीके से की जाती है कि उसकी जेल में दम तोड़ देता है, उसके बाद उसकी भाभी को उठाया जाता है पुलिस थाने के अंदर लाकर पुलिस की द्वारा उसे कथित बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद अमेठी की आप घटना देख लीजिए जहां पर एक मामूली चोरी के आरोप में दलित को गिरफ्तार किया जाता है, उसे पुलिस लॉकअप में लाया जाता है, बुरी तरीके से पीटकर मार डाल दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से दलितों के ऊपर एक पुलिसिया लाठी या पुलिसिया दमन किया जा रहा है। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आप सुन लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।